मम्मी दरवाज़ा खोल दें तो तुम बता देना गर्मी बहुत लग रही थी मैम साहब पानी पिला दीजिए, आप चिट्ठी मत बताना कि आई है। तो एक बार गलती से ऐसा हुआ उसने ध्यान नहीं दिया और वो चिट्ठी आ गई घर में, और जब मैं सो के जब उठा तो मम्मी सर के पास भभक भभक के रो रही थी। उनको ऐसा लगा पता नहीं क्या कोई मर गया हो या कुछ इस तरीके की बात हो गई। तो उन्होंने जब मैं उठा तो मैं समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि यार ये प्यार व्यार करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अच्छा पेरेंट्स ऐसे ही बताते हैं ना, ये तो बाद में भी हो जाएगा और वो बात कभी आता नहीं है। तो वो चिट्ठी जो पहला इनकाउंटर था मेरा चिट्ठी का, तब कुछ कुछ होता है रिलीज़ हुई थी। और ये समझ में आना किसी भी लड़के के लिए बड़ा मुश्किल था कि बंदी को डियर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए कि डियरेस्ट लिखना चाहिए। ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट थे लाइफ के, इतने बड़े चैलेंज थे कि समझ ही नहीं आता था क्या लिखना। तो वहाँ से मैं चिट्ठी एक सुनाता हूँ, ये वो चिट्ठी तो नहीं है जो मैंने लिख के भेजी, क्योंकि मेरे पास लिखी हुई वो चिट्ठियाँ नहीं है। तब मैं ना कॉपी करा पाया ना तब हमारे पास मोबाइल होते थे, ना मोबाइल में फ़ोन होता था, अरे ना मोबाइल में कैमरा होता था। तो ये चिट्ठी ऐसे शुरू करता हूँ उसी डिलेमा के साथ कि तुम्हें डियर लिखूँ या डियरेस्ट, आप लोग सबसे अच्छे लग रहे हो, आप मुझे लगता है अकेले कपल बैठे हो यहाँ पे जो सबसे आगे बैठे हो, थैंक यू कि आप लोग फिर भी किसी को सुनने आए हो। तो तुम्हें डियर लिखूँ या डियरेस्ट, ये सोचते हुए लेटर पैड के चार कागज़ और रात के 2 घंटे शहीद हो चुके हैं। तुम्हारी पिछली चिट्ठी का जवाब अभी तक नहीं मिला तो सोचा पिछले दिनों दिवाली की छुट्टी थी और मैंने डाकियों को कुछ अलग से दिया भी नहीं था, इस चक्कर में उसने चिट्ठी दबा ली होगी। सही कहती हो तुम फ़ोन पर कि आजकल चिट्ठियाँ लिखता कौन है, मैं भी नहीं लिखना चाहता चिट्ठी विट्ठी, लेकिन मैं इस भागदौड़ के बीच में इत्मीनान से तुम्हारा इंतज़ार करना चाहता हूँ। चिट्ठियों का इंतज़ार तुम्हारा इंतज़ार लगता है, हर चिट्ठी अपने आप में एक कहानी होती है। कम से कम लिखते हुए कुछ देर के लिए तुम अपने मोबाइल का डेटा ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचती होगी। मुझे बड़ा ही क्यूट लगता है जब तुम लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालने के बाद तुरंत व्हाट्सएप करके बताती हो कि चिट्ठी पोस्ट कर दी और मैं शाम को तुमको ऑफिस से लेने आ जाऊँ। एक ही शहर में रहते हुए हमने सबसे छुपा कर अपनी चिट्ठियों का एक चिड़ियाघर बना लिया, जिसकी टूटी रंग छोड़ चुकी बेंच पर तुमसे मिलकर कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ मॉल जितनी भीड़ नहीं है, मुझे दिक्कत भीड़ से नहीं शोर से होती है। भीड़ हो शोर ना हो तो मैं झेल जाऊँगा, शोर में मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ज़ोर से चिल्ला के तुम्हें बुलाऊँ और कोई मेरी आवाज़ दबा लेगा। मॉल मुझे मेले जैसे लगते हैं जिसमें हर बार कुछ खो जाता है। अच्छा ठीक है, बहुत फिलॉसफी झाड़ ली मैंने, अब क्या करूँ, चिट्ठियों में फिलॉसफी चल जाती है जैसे व्हाट्सएप पे जोक्स दौड़ जाते हैं। मैंने जो कुछ लिखा है उसका जो भी जवाब समझ में आए लिखना, और वैसे भी चिट्ठियों में हम कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ज़्यादा नहीं 4 ही लाइन लिख के भेज देना, चिट्ठी बैरन भेजना, बिन चिट्ठी बिन टिकट वाली चिट्ठी जल्दी और ज़रूर पहुँचती है, तुम्हारा दिव्य। अब ये चिट्ठी लिख दी तो इसका जवाब भी आया होगा, ये मैंने इमेजिन किया कि अगर मैं चिट्ठी लिखता तो जवाब आता, तो जवाब आया। जो जवाब आता है वो भी मैं सुनाता हूँ कि तुमने डियर लिखो ना तुम डियरेस्ट लिखो, चिट्ठी लिखते हुए इतना बह क्यों जाते हो तुम, फालतू में इतनी फिलॉसफी झाड़ने लगते हो, सीधे सीधे सब कुछ साफ साफ नहीं लिख सकते। अच्छा तुम्हारी पिछले संडे वाली चिट्ठी मिली, तुमने लिखा था कि ज़्यादा नहीं तो 4 लाइनें लिख के भेज देना। पहली लाइन, फटाफट अपने डाकियों को मेरी तरफ से 101 रुपये दे देना। दूसरी लाइन, यहाँ पर सब ठीक है और आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक से होगे। तीसरी लाइन, अपना लेटर पैड बदल लो और प्लीज़ चिट्ठी में सेंट मत लगाया करो, सेंट से तुम्हारी महक दब जाती है। चौथी लाइन, तुम्हारी चिट्ठियों का इंतज़ार करने लगी हूँ, तुम्हारी टी। तुम्हारी हमारी लिखना बड़ा ही चीप लगता है, अगले आगे से नहीं लिखूँगी, समझे। तो ये ऐसे आजकल के ज़माने में कोई चिट्ठियाँ नहीं लिखता, बट फिर भी हम लोग जब लिखते हैं तो इसी दुनिया से परेशान होकर एक अलग दुनिया बनाते हैं और उस दुनिया में परेशान होकर फिर इस दुनिया में लौट आते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो तुम्हारी इस दुनिया में जहाँ तक मुझे याद है एक अंकल भी है जो तुम्हें लगता है और हमें पता है कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा अंकल होता है। उस अंकल का डीपी ने एक पूरा चित्र बनाया है, उसकी कहानियाँ भी लिखी हैं, उनकी चिट्ठियाँ भी लिखी है, और जिन जिन के जीवन में ऐसे अंकल हैं उन सबका भरपूर केस लिया है। वो अंकल के बारे में बताओ और तुम्हारे जीवन में ऐसे अंकल कौन है ये भी बताओ। तो असली तो नहीं बताता, तो उनका बेटा भी मेरे से पूछता है कि आप मेरे पापा के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो। तो होता क्या, हम सबकी लाइफ में जैसे कुछ दोस्त होते हैं, गर्लफ्रेंड होती है, एक बॉयफ्रेंड होता है, किस्मत बहुत अच्छी हुई तो एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड होती है, एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड होता है, ऐसे ही हम सबकी लाइफ में फूफा जी मौसा टाइप का एक कैरेक्टर होता है और एक पड़ोसी होते हैं अंकल। तो ये वो अंकल होते हैं जो आपको जब भी मिलते हैं आपकी आंखों में देख के डायरेक्टली इनडायरेक्टली या साइलेंट मोड में हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि बेटा तुमसे हो नहीं पाएगा,
ऐसे ही एक हमारे घर के पड़ोस में अंकल थे, तो जब मैं हाई स्कूल का पेपर दे रहा था, मैं यूपी बोर्ड से था, जिस स्कूल में मैं था वहाँ 1.80 रुपये फीस थी, मास्टर वास्टर आते आते थे नहीं, कुछ पढ़ाते पढ़ाते थे नहीं, तो उन्होंने आए घर पर और कहा कि भाई दुबे जी, भाई हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, लड़के के 90% से कम आए ना तो समझिए लड़का कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। 10th हो गया, 90% से ऊपर है कोई क्या यहाँ पे बैठा हुआ? तो फ्यूचर आपका ब्राइट बिल्कुल नहीं है, चिंता मत करो। अच्छा तुम्हारा भी फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो फिर 12th हुआ, 12th से पहले अंकल आए और उन्होंने कहा कि भाई दुबे जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो कट ऑफ ही 96-97% जाता है, अगर 95% से कम आए तो लड़की है, समझ लीजिए कि लड़का कमज़ोर है, कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा। 12th हुआ, 12th के बाद फिर मैंने ITJEE की तैयारी की, और ITJEE में ये नहीं कहूँगा कि फेल हुआ मैं, मेजॉरिटी मेरा जैसा सब लोगों के साथ होता है, जो बेचारे IIT नहीं जा पाते, ज़्यादातर लोग नहीं जा पाते। तो उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज से ज्वाइन किया, मैं बड़ा खुश कि अब यहाँ पर कोई फालतू की टेंशन नहीं, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वहाँ पर कोई पढ़ने वाला लड़का गलती से आ जाए ना तो उसको आप ताने मार सकते हो कि अगर इतने ही पढ़ने वाले तो IIT में क्यों नहीं, यहाँ क्यों आ गए। तो अब पहला साल तो ऐसे ही देखने में चकाचौंध में ही निकल गया कि भाई ये है, और मैंने फिर 4-5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया कि इनसे मैं दोस्ती करूँगा, बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती। फिर ऐसे ही 3rd ईयर हुआ, फाइनल ईयर तक कोई प्लेसमेंट वगैरह होता नहीं था प्राइवेट कॉलेज में, मेरे कॉलेज में होता नहीं था, मैं प्लेसमेंट करके आया, लेकिन तब तक वो चिट्ठी वाला और प्यार वाला चक्कर चल चुका था। तो जैसे मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं गुलजार साहब की नकल करके ना टुच्छी कविताएँ लिखने लगा था, फूल पत्ती चांद सितारे वाली। तो अब जैसे चांद पे गुलजार साहब ने कॉपीराइट कर लिया है ना, चांद जितने तरीके का हो सकता है गुलजार साहब यूज़ कर चुके हैं, मुझे लगता है कि अब उनको मतलब उस पर केस हो जाना चाहिए आदमी जो चांद यूज़ करे अपनी कविता में। तो वैसे मैं लिखता, तो ये इंजीनियरिंग खत्म कर गया। तो फिर अंकल आंटी घर आए, उन्होंने कहा कि यार बेटा इस बार छुट्टी कितने दिनों की? अब छुट्टी तो छुट्टी थी, कुछ नौकरी लगी नहीं थी, घर ही पे थे। तो फिर मैं, कोई भी समझदार इंजीनियर हिंदुस्तान में जो इंजीनियरिंग में जिसकी नौकरी नहीं लगती वो MBA की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मैंने फिर MBA की तैयारी शुरू करी, पूरा कॉलेज तुम्हें पीटेगा। हाँ, तो उनको भी पता है MBA के बाद भी कौन सी दुनिया बड़ी अच्छी है, लेकिन यह है कि चलो कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर जब तैयारी शुरू की, तो मेरे घर के पड़ोस में एक भैया रहते थे, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। तो यहाँ पे मैंने उनको, भैया को जाके बताया कि भैया मेरा जो कॉलेज का मेरा प्यार वाला एक्सपीरियंस हो गया, मैं तुरंत कविताएं लिख देता हूँ फटाक से, आप कुछ बोलो मैं फट से लिख के दे दूँगा। तो उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, तो उन्होंने एक मिश्राम्बू या पता नहीं मुझे ब्रांड अब याद नहीं है, किसी का ऐड दिया है, किसी स्कूल का एंथम लिखना था, उन्होंने दिया और अगले 1 घंटे में उन्होंने लिख के वापस कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि नकल करके लिख के ला, नहीं मैंने खुद लिखा है। तो वो अंदर कमरे में गए, उन्होंने 1,000 रुपये अपनी जेब से निकाले और मेरी तरफ दिए, कहते देखो इस जो तुमने लिखा है इससे मैं 1,00,000 रुपये कमाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 1,000 रुपये इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये जान जाओ कि तुम लिख के कमा सकते हो। तो वो पहली कमाई थी इंजीनियरिंग के बाद की। अंकल को अभी भी चैन नहीं पड़ा, वो आते रहे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों के पैकेज बढ़ा बढ़ा के बताते रहे, जितने उनके पैकेज थे भी नहीं। फिर मैंने MBA किया, फिर जब किताब आई तो सारे दोस्त खुश थे, वो सारे दोस्त खुश थे जिन्होंने एक भी अच्छी चीज़ नहीं सिखाई सिवाय दोस्ती के। छू गया लग रहा था। तो खैर वो सारे दोस्त खुश थे, घर वाले भी खुश थे कि चलो कुछ नहीं, लड़के ने कुछ तो किया। अंकल घर आए, उन्होंने किताब उठाई और कहा कि वाह देखा दुबे जी, हमने पहले ही कहा था लड़का कुछ अलग करेगा। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, असल बात ना कहानियाँ ख़त्म होने के बाद शुरू होती हैं। अंकल ने किताब उठाई तो कह रहे यार तुम्हें BTEC और MBA कराया और तुमने यार किताब हिंदी में लिख दी, तुम तो यार पढ़ने में कमज़ोर ही रह गए। तो ये है, वैसे ही अंकल एक्चुअली कोई एक अंकल ऐसे नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे मैं ज़िंदगी और बदला लेता रहूँगा, और आपसे हर किसी को लेना चाहिए। और वही उन्होंने इनिशियल, जैसे आपको कुछ कोई बोल देता है ना कि बेटा तुम नहीं हो इस लायक, तो आपका मन मार के फिर कहता है ना आप, जैसे एक और इससे रेफरेंस है कि एक, हालांकि वो ज़्यादा ठीक हो जाएगी बात, तो देखते हैं, मतलब ये एक अंकल ऐसे होने चाहिए लाइफ में, और नहीं भी है तो आप झूठ मूठ के बना लो कि भैया जो आपको बोलता रहे कि तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, और आप उसको गलत साबित करते रहो इनिशियल मोटिवेशन के लिए। लाइफ में ये मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि कोई अंकल है और बोलते रहे बेटा तुमसे ये भी नहीं होगा, 150 चीज़ें थोड़ी ना कर सकते हैं। तो मेरे भी ऐसे एक अंकल हैं जो जब रेडियो में नौकरी लगी तो घर में सब बहुत खुश थे कि वाह लड़की तो रेडियो पे बोल रही है, सुबह सुबह मजा आ गया। पर वो अंकल घर आके बोल के, अरे बेटा थोड़ी और मेहनत कर लेते तो TV में लग जाते, कोई बात नहीं चलो सुन लेंगे तुम्हें रेडियो पे। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव दैट अंकल
ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिस पे हम आगे आएंगे. पहले आई थिंक तुम्हारे कुछ और ऐसे किरदारों से मिलना चाहेंगे. और सबसे ज़्यादा रसप्रद बात यह है कि कहानियाँ जो तुम लिखते हो उसमें ज़्यादातर ऐसे किरदार हैं जो मेरे और आपके आसपास रह चुके हैं. हम उनसे कहीं ना कहीं मिल चुके हैं. हो सकता है आपके साथ स्कूल के ज़माने में ट्यूशन में आने वाला भी कोई लड़का या लड़की हो जिसको शायद आप भूल गए हैं, पर अगर ऐसी कोई कहानी सुन ले तो याद आ जाएगा कि हाँ यार, मैं जब स्कूल में था तब भी ऐसा कोई था. आपके मोहल्ले में रहने वाला कोई पुराना पड़ोसी या तो कोई ऐसा दोस्त जिसका शायद नंबर या कोई तस्वीर आपके पास नहीं मिलेगी, पर इन कहानियों से वो किरदार शायद आपकी याददाश्त में वापस आएंगे. ऐसी कुछ कहानियां हैं जिसमें से आई वुड रिक्वेस्ट एक ईद वाली तुम्हारी कोई ऐसी जबरदस्त कहानी है. एक ट्यूशन तुमने बोला ना, ट्यूशन की बात. हाँ, तो क्लास शहर था कोई छोटा सा जहाँ गलियाँ ज़्यादा थी और सड़कें कम. क्लास 11th की बात है. ट्यूशन थी केमिस्ट्री की और मास्टर साहब का नाम था BKS अग्रवाल. BKS बस BKS था, कोई फुल फॉर्म नहीं था. ट्यूशन रोज़ शाम को 5 बजे शुरू हुआ करती थी और ट्यूशन में कुल 6 बंदियाँ आती थी और मुझे मिला के कुल बंदे आते थे 8. मैंने ट्यूशन लेट ज्वाइन की थी, तब तक ट्यूशन के हर एक लड़के ने अपने हिसाब से मनी मन एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था. हालांकि बंदियों के साथ ऐसा नहीं था, वो केवल ट्यूशन पढ़ने आती थी. अब जैसे और जब क्लास जैसे होती थी तो उसकी दूरी होती थी, जैसे क्लास के अंदर लड़के और लड़कियों के बीच सीट के बीच में 2 फीट की दूरी होती थी, ठीक वैसे ही क्लास के बाहर उनकी साइकिल भी 2 फीट की दूरी में खड़ी होती थी, लड़कों की अलग लड़कियों की अलग. माँ साहब केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते अक्सर लड़के लड़कियों की केमिस्ट्री मैच ना कर जाए इसके लिए दोहराया करते थे, देखिए ट्यूशन के बाद या ट्यूशन के पहले या ट्यूशन में कोई भी लड़का किसी भी लड़की से बात करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, अगर कोई दिखा तो मैं उसके घर पर शिकायत कर दूँ. अब एक बार हर बार वो दोहराते थे, तो एक बार ऐसे ही जब वो दोहरा रहे थे तो एक लड़की ने पूछा, लड़की ने क्या, नेहा ने पूछा कि सर अगर कभी नोट्स छूट जाए तो भी हम इसके लिए लड़कों से बात नहीं कर सकते. तो ये सुन के माँ साहब थोड़ा सा सकपका गए और अपने आप को संभालते हुए कुछ बोलने ही वाले थे. इतने में मैं हिम्मत करके बोल पड़ा कि सर सारे लड़कों का भी यही सवाल है, अगर कभी नोट्स छूट गए तो भी क्या हम लड़कियों से बात नहीं कर सकते. अब ये सुनकर सभी लड़कियाँ धीमे धीमे मुस्कुराने लगीं और लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. उधर नेहा ट्यूशन में पहली बार मुझे देख के मुस्कुराई थी और मैं उसे देख कर, एक दूसरे को देख कर हम पहली बार मुस्कुराए थे और ये हमारे बीच बिना बोले पहली बातचीत थी. ठीक वैसे ही जैसे आज हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई लड़का किसी न किसी लड़की से किसी ट्यूशन में बातचीत शुरू करता है. खैर माँ साहब कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोला कि देखिए अगर कभी ऐसा हो कि आपके नोट्स छूट जाए तो आप बता दीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, लेकिन कोई भी लड़का किसी भी लड़की से बातचीत करते हुए नहीं मिलना चाहिए. अब जैसे ही मास्टर ने बोल के ख़त्म किया, नेहा और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा. जैसे ही हमारी नज़रें मिली हम दोनों मुस्कुरा दिए. ये हमारी उस दिन ट्यूशन में दूसरी बातचीत थी. जैसे ही उस दिन ट्यूशन खत्म हुई मैं बाहर निकल के नेहा के आने का इंतज़ार करने लगा. उसके पास आते ही मैंने अपनी साइकिल रोकी. मैंने घबराते हुए उसको अपनी लाइफ का पहला हाई किया और उसके नोट्स मांगे. उसने नोट्स देने से पहले रजिस्टर के आखिरी पेज में लिखा, आखिरी पेज में कुछ लिखा और कहा कल ट्यूशन से थोड़ा जल्दी आके रजिस्टर वापस कर देना. मैंने उसके जाते ही रजिस्टर का आखिरी पन्ना चेक किया. वहाँ पर नेहा ने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था. ईमेल एड्रेस के जस्ट ऊपर लिखा था बातचीत के लिए. मैंने जो पहली ईमेल उसे भेजी उसकी सब्जेक्ट लाइन भी यही थी, बातचीत के लिए. क्लास 11th के हुए करीब 10 साल हो गए. आज एक पुरानी ईमेल ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ से नेहा की ये ईमेल ऊपर आ गई. पुरानी ईमेल्स तो अक्सर मिल जाती हैं लेकिन पुराने लोग जिंदगी के मेल बॉक्स में अक्सर खो जाते हैं. हो गई कहानी. Yeah, अच्छा वो शिट.
मुझे लगा कि वो अच्छा ट्यूशन का कुछ याद आ गया क्या तो नहीं मुझे ईद मुबारक वाली कहानी का एक तो इंतजार है और एक मैं इस ख्यालों में भी खोई हुई थी कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है. एक तो चेतन भगत का जहाँ पे नाम आता है ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन जाता है ज़्यादातर रीडर्स के लिए. और तुम्हारी कहानियाँ हालांकि नेचर में काफ़ी अलग हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं शायद पॉपुलैरिटी की वजह से कि जो बहुत ही जल्द इतना बड़ा एक वाचक वर्ग है जो तुम्हें फॉलो करने लगा है उसकी वजह से ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं आ रही है. देयर आर कपल ऑफ आर्टिकल्स आल्सो दैट यू विल गेट टू रीड ऑन इंटरनेट जिसमें ये तुलना की गई है. सो हाउ डज इट मेक यू फील एंड डू यू थिंक दैट वी कैन ड्रॉ एनी पैरेलल्स बिटवीन योर स्टोरीज एंड हिज स्टोरीज. चेतन भगत से कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि वो आईआईटी के पढ़े हुए हैं. मैं तो आईआईटी जा नहीं पाया और इस दुनिया में मेजॉरिटी जो नॉन आईआईटी वही बनाते हैं है ना. तो ये कोई बट देखिए क्या है ना जो मीडिया में आता है और बार बार ये रिपीटेडली होता है जैसे हम लोगों को मेरे और मेरे जो कुछ एक दोस्त जिनकी किताबें बिकने लगी उनको कोई भी मीडिया हाउस कवर करता है कई बार तो गलती से जो उनके लिए पैरेलल है वो ये करता है ये हिंदी के चेतन भगत है. देखिए उसमें जो मीडिया वाला उसकी गलती नहीं है. हिंदी के चेतन भगत जब वो बोल रहा है तो वो ये बोलता है कि हिंदी के चेतन भगत जितना बिकते हैं चेतन भगत जैसा भगवान न करे किसी को वैसा लिखना पड़े. लेकिन नहीं मतलब ऐसी बात नहीं. देखिए मैं एक इस बात में पब्लिकली भी और वैसे भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ चेतन भगत की इस सेंस में क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे कॉलेज में थे तो अमिताभ घोष थे अरुंधति रॉय थी सब लोग थे बट चेतन भगत की किताब ने एक पूरी जनरेशन को एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप एक अंग्रेजी किताब ख़त्म कर सकते हो है ना. अभी यह बहुत बड़ी बात है. यह सबसे बड़ा अचीवमेंट है. मतलब किताब चाहे जैसी हो वो अलग मुद्दा है लेकिन आप किताब पूरी कर सकते हो तो इसलिए कोई कंपैरिजन वैसा नहीं है. और ठीक है मतलब अब एक दिन मैं बैंड्रा से निकल रहा था तो चेतन भगत जा रहे थे सही में तो मेरा एक दोस्त था उसने मजाक में बोला कि जाके तुम फोटो खिंचा लो सेल्फी एक और उसमें नीचे डाल देना अंग्रेजी वाले चेतन भगत के साथ हिंदी वाले तो तुम हो ही तो ऐसे. लेकिन ऐसा कुछ डायरेक्ट कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग तो नहीं है. हाँ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी अगर वैसी हो कि मतलब कौन नहीं चाहेगा कि उसको डांस शो में जज करने का मौका मिले इसमें क्या है मतलब हर कोई करना चाहता है. हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं बहुत फ्यूडल वो है. जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो वहाँ पे मैं बहुत खोजा जाके कि कहीं पे मुजरा होता है तो मैं देख लूँ. अब वहाँ होते नहीं है. कैलकटा में होते हैं मुझे पता है लेकिन वहाँ नहीं होते. तो ये आपके अंदर एक होता है कि जैसे ना मैं सोचता हूँ जैसे कि जो ना 1920 में जो पैदा हुए ना लोग उनके लिए लाइफ कितनी आसान थी. पैदा हुए बड़े हो रहे हैं देश आज़ाद नहीं है सिंगल मिशन देश को आज़ाद करना. कोई इंजीनियरिंग कोई एमबीए वाली कोई बात ही नहीं है. अभी क्या है इतनी चीज़ें हो गई हमें. अब जैसे दिल्ली में खास करके जेएनयू साइड आवाज़ बहुत आज़ादी आज़ादी चाहिए आज़ादी चाहिए. लेकिन हमें आज़ादी चाहिए किससे हमें ये तो पता है ना. हमारी लड़ाई कम से कम क्लियर तो हमें ये नहीं ना कि आज़ादी फॉर सेक ऑफ आज़ादी हम मांगने लगे कि भैया आज़ादी चाहिए आज़ादी ऐसे शोर मतलब चलो ठीक है बात नहीं करते उसकी बट ठीक. अच्छा तो ये ऐ दिल है मुश्किल जब से आया है तब से अधूरा प्यार जो पूरा ना हो सका उसको फिर से बहुत ही ग्लैमराइज किया जा रहा है. वो बहुत ही पॉपुलर हो गई है वो साइड. तुम्हारी कहानियों में भी दिव्य प्रकाश मैंने जितना पढ़ा है ये बात बहुत ही एक आई कैन से प्रॉबेबली इट कम्स अप एज अ थीम अनरिक्विटेड लव ऐसा प्यार जो पूरा नहीं हो सका. सिम्बी में हम एक ही कैंपस में थे हमारा कॉलेज बिल्कुल बाजू बाजू में रहा करता था तो दिव्य प्रकाश की नज़रों में काफ़ी बार वो क्या बोलते हैं सिसक भी नज़र आती थी कि यार ऐसा कुछ मामला है. सो इट रिफ्लेक्ट्स इन योर स्टोरीज ऑल्सो एंड जहाँ तक मुझे पता है कोई भी महिला ने उतना अब तो तुम्हारे बड़े सारे फीमेल फैंस हैं मुझे पता है तुम्हारी शादी के बारे में प्रश्न उठते रहते हैं और खत आते रहते हैं पर तब का दौर और था. डू यू थिंक दैट इज़ वॉट रिफ्लेक्ट्स इन योर स्टोरीज और ये पूरी थीम कहाँ से आती है अधूरे प्यार वाली. लाइफ का क्या है ना कि लाइफ में मिल सबको सब कुछ जाता है खेल सारा टाइमिंग का टाइम से कभी कुछ नहीं मिलता. तो वैसा अधूरा प्यार वाली बात नहीं है. एक्चुअली क्या है ना अनफुलफिल्ड जो भी चीज़ें आप कहीं ना कहीं लाइफ में आप कम से कम राइटर तब तक नहीं बन सकते जो मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में दो चार रिग्रेट नहीं है, है ना गिल्ट फीलिंग नहीं है कि आपने हाँ नहीं ऐसा नहीं दिल टूटने वाली बात नहीं है. आप अपनी मम्मी को भी बहुत ख़राब बोल सकते हो. जैसे मैं हिंदी मीडियम से था मैं लखनऊ कोचिंग करने पहुंचा और मैं इनको ये बोलता था कि यार आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते जबकि ऐसी बात नहीं थी. मेरे फादर ब्यूरोक्रेट थे ठीक ठाक कमाते थे और स्पेशली सेल्स टैक्स में थे तो हर किसी को मुझे बताता था कि फादर सेल्स टैक्स में तो सामने वाला यही इमेजिन करता था कि अटैची भर के लोग पैसा रोज पैसा लेके आते हैं. वो सब हमने देखा है खूब लेकिन उन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाया पता नहीं क्यों. मैं बहुत गालियाँ देता था
इन सेंस कि बहुत भला बुरा मैं सोचता था बहुत वो था, लेकिन लॉन्ग रन में तुम देखो ना वही चीज़ काम करती है, आपको पता नहीं होता है कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है क्या चीज़ नहीं कर रही है। तो अधूरी कहानी से ईद वाली कहानी सुना देते हैं मेरे ख्याल में। आई हैव टू इन्फॉर्म यू रिग्रेटफुली, हमारे यहाँ पे ये वेन्यू, हम लोग को थोड़ा जल्दी सौंप देना पड़ेगा पुलिस इंक्वायरी के लिए और चेकिंग के लिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी थी जो मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत प्यारी है, मेरे दिल के करीब है, डीपी की कहानियाँ मैं सुनाना चाहती हूँ, बट वी माइट नॉट हैव टाइम फॉर दैट बिकॉज वी जस्ट हैव 5 मिनट्स। वी आर एक्सपेक्टिंग ऑनरेबल CM टू विजिट GLF दिस टाइम, वो थोड़ी देर में आ रहे होंगे, उसके लिए थोड़ा सा चेकिंग वगैरह होने वाली है। तो फिर कहानी नहीं सुनाते, बातचीत ही कर रहे थे, वैसे भी लिटरेचर के साथ पॉलिटिक्स हमेशा ही हुई है तो दिल्ली तक पहुंचेगा, दिल्ली तक पहुंचेगी। अच्छा, लेकिन बिफोर वी रैप अप मुझे ये बहुत पूछना है, डीपी से जितनी भी बार बात हुई है, जितना इसके बारे में या इसकी लिखाई के बारे में लिखा गया है, एक चीज बार बार उभर के आती है कि एक ऐसा समय था जब हम शुद्ध हिंदी, जो हमारे पुराने ऐसे ग्रंथ हैं या ऐसी पुस्तकें हैं जो हिंदी में सीमा चिन्ह कही जाती है, प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ लीजिए या उनकी पुस्तकें पढ़ लीजिए, तब तक लोगों को हिंदी पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद एक दौर आया व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट यार हिंदी इतना कूल नहीं है, हम ज़्यादातर हिंदी पुस्तकें लेके पढ़े तो काफ़ी लोग कवर करके पढ़ते हैं, बाजू में अगर कोई आ जाए अच्छा इंग्लिश किताबें आपको एक बहुत ही मोटी सी किताब पढ़ रहे हो तो ऐसे आपने गुजराती में गए तो रौला मारे ने बतावे एवं हजू क्या अच्छे कि हिंदी कूल न थी। ए वो बदलने का प्रयास कहीं पे किया गया है, दैट इज वाई ही बिकेम द फर्स्ट अगेन TEDx हिंदी स्पीकर, तो वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी हाउ डिड दैट स्टार्ट। पहले तो एक सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन है कि जो हमारे दादाजी या हमारी दादी या हमारी नानी या उनकी नानी जो बोलते थे वो शुद्ध बोलते थे, कोई भी भाषा कभी शुद्ध रही नहीं है, है ना। और एक और चीज़ इसी में ऐड कर दूँ मैं, जो भी यहाँ पे चूँकि लिटरेचर फेस्टिवल है, बहुत सारे लोग खुद भी लिखते हैं या लिखने वाले कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है उसमें, कि अच्छी हिंदी अच्छी अंग्रेज़ी अच्छी गुजराती जान जाने से राइटर नहीं बनता कोई, अगर ऐसा होता तो सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सबसे अच्छे राइटर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो स्टोरी टेलिंग उसके बियॉन्ड कोई एक चीज़ है, किस्सा कोई उसके बियॉन्ड एक चीज़ है। तो जो हिंदी की बात थी ना कि ऐसा दो मिसकंसेप्शन है, एक तो पहले हम कोई बड़ा शुद्ध नहीं बोलते थे, भाषा हमेशा से ही वो होती है जो रिक्शे वाला भी बोले और प्रधानमंत्री भी बोले, है ना, वो इंक्लूसिव होती है उसकी, और यही भाषा की ताकत है कि उसको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बैठ के नहीं बनाते हैं, यहाँ चाय की टपरी होगी पास में, यहाँ पे कोई ऑफिस में कोई काम करता हुआ किसी उसमें तो वो बोलेगा ना, जब उसको बॉस डांट देता है तो वहाँ पे ऐसे चाय पीते हुए बात करता है कि यार बॉस ने दिमाग का दही कर दिया, शाम को दारू पी, जब अहमदाबाद में खैर दारू नहीं पी सकता तो शाम को पीकर दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी, मुंबई में बोल सकते हैं, गुजरात में नहीं बोल सकते पब्लिकली। तो ऐसा है, तो ये भाषा जो है ये ऐसा नहीं है कि अशुद्ध है, ये आप कहीं ना कहीं भाषा कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो जो प्रेमचंद या वो जो सवाल है हम लोग जो हिंदी में लिख रहे थे, अभी हुआ क्या ना कि बीच में हिंदी दो भागों में बंट गई, लिखने वाली हिंदी अलग हो गई, बोलने वाली अलग हो गई। तो हमेशा से वही लिटरेचर अच्छा होता है, इंग्लिश में भी वेस्ट में भी जो सबसे अच्छा लिटरेचर है वो है जैसे आप बोलते हो वैसे ही आप लिखते हो। क्योंकि अगर मान लो एक हम लोग जब बचपन में थे तो किताब गिर जाती थी तो ऐसे उठाते थे, छूटते थे, गाली थे विद्या, तो विद्या का सब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, यू आर नॉट ट्रू टू योर कैरेक्टर देन। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि हम वैसे करें। तो जैसे ना कि दुनिया भी अब ख़राब हो गई ऐसा कुछ नहीं है, ये शुरू से भी इतनी ख़राब है ना, और ये अशुद्धि शुरू से भी इतनी है, उसको वैसे ही होना चाहिए, वो गंगा जी की तरह है, सब पड़ता जाएगा और फिर भी गंगा जी बहती रहेंगी, शुद्ध करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। पहले आप सवाल पूछो तो मैं बता दूं, एक तो वैसे भी थोड़ी पॉलिटिक्स है, दूसरे कि आपके जो लाइफ मीनिंग वाले सवाल हैं उनके सबके जवाब आपको बनारस में मिलेंगे, जो असली सवाल है वो मेरे पास या किसी लेक्चरर के पास नहीं मिलेंगे। कैन वी क्विकली पास ऑन द माइक टू दीस गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट तुम्हारा सवाल जो ना थोड़ा हेलो तुम्हारा सवाल थोड़ा शॉर्ट सचोट राखजो, એટલે આપણે ઓન પોઈન્ટ। हेलो, आपका जो आपकी जब आवाज़ मैंने सुनी तो मुझे लगता है कि आप आरती से अच्छा बोल सकते हो, तो आप आरजे क्यों नहीं बने? सर मैं तो सर जैसे मेरे को अगर गिटार बजाना आता है तो मैं वायलिन नहीं बजाने लगूंगा ना, तो मेरे को लगता था कि मैं कहानियां बेटर सुना सकता हूँ, तो ये वैसे ही है कि अब वही आता है तो जो अब वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है सर, रेडियो जॉकी लोगों की होती है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आरती
का अपना एक टैलेंट है और अच्छा बोल सकने की वजह से आरजे नहीं बनते ना, वही बात है। मैं उतनी देर लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकता, मतलब जैसे ना मेरे को गुस्सा आ जाता है, जैसे मैं अपनी कोई मेरे से बोले ना कि और आपको क्या पसंद है, जैसे आप प्यार से जो जैसे बात करते हैं, मैं वैसी बात नहीं कर सकता, वो मुझे मालूम है, मैं लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, लोग पीटने आ जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं हम्बल दिख रहा हूँ स्टेज पर, ऐसा हूँ नहीं, दिक्कत है। It's not a question, it's more about sharing जो आपने चेतन भगत के लिए बोला। Very frankly, I've not read you. मैंने आज तक आपका नाम भी नहीं सुना था। मेरे शादी से पहले मेरी बीवी ने भी नहीं सुना था। Very good. But I think जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि lot of us grew and we started reading an English novel and we felt that we could complete it because the way चेतन भगत wrote it. And if you are writing the same way in Hindi, great. I'm just hoping कि कोई ऐसा गुजराती भी लिखना start कर दे। बढ़िया सर, आप मुसाफिर कैफे पढ़ के बताइए। And one last question. ये जानना चाहती थी कि आप TEDx में आपने मतलब लोग, it's basically inspiring people with something or the other. तो आपके TEDx में क्या था, मतलब like I'm looking forward to seeing it, but वो आप गूगल आप सुन सकते हो, उसमें 17-18 मिनट में जो भी उसमें एक्चुअली टाइम फिक्स रहता है, 18 मिनट में आपको जो भी बात है बतानी होती है बिना कागज़ देखे, तो आप एक बार सुनो उसमें, फिर वो बताने में फिर 18 मिनट लग जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे कि आप ट्यूशन में किसी बंदी से बात हो गई तो अपने दोस्त को जब सुनाते थे तो पूरा एक एक बात सुनाते, फिर ये बोला, फिर उसने क्या जवाब दिया, फिर उसने बोला, तो वो बताने में 18 मिनट चले जाएंगे, उतना में तो हम लोग को हटा दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। रेडियो वाले जनाब कौन थे जिन्होंने पूछा, आपने ना, डीपी ने जब रिकॉर्डिंग की शुरुआत की थी, कहानियाँ लिखता तो बहुत सुंदर है, उसने एक बार रिकॉर्ड करके मुझे भेजी भी हुई है। जब और अमीर बन जाएगा और इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, महिलाएँ पागल हो जाएंगी, तब मैं वो रिकॉर्डिंग्स बेचने वाली हूँ, आप जरूर लीजिएगा, मेरे लिए वो खजाना है अमूल्य, तो तब जरूर दिव्य प्रकाश के रिकॉर्डिंग्स बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लवली ऑडियंस। And very quickly, we'll have to vacate the venue क्योंकि पीछे पुलिस अंकल खड़े हैं जो जबरदस्त चेकिंग के लिए आ चुके हैं। And please stay with us, आज शाम को बहुत ही